बहुत ही सिंपल ही मुद्दा है यहाँ पे, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट या फैसिलिटेटेड रूट्स, ऐसे जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, या नोड्यूलोज रूट्स। देखो नोड्यूलोज ये जो डिफरेंट टाइप का रूट है, हमने नोड्यूलेटेड रूट लास्ट क्लास में पढ़ा था जो कि राइजोबियम वगैरह के केस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बीडेड और मोनलीफॉर्म रूट या स्टिल्ट रूट, ये इस तरह से सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी कि ये जो रूट है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली बेटा हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आपसे मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या हमने सारे मॉडिफिकेशन जो है रूट्स के पढ़ लिए थे क्या लास्ट क्लास में, या नहीं पढ़े थे? थोड़ा सा मुझे आप बता दीजिए। सर वी कंप्लीटेड दिस पार्ट, हमें अभी स्टेम स्टार्ट करना था। ओके थैंक यू। तो देखो ये सारा मतलब रिवीजन हो चुका है, हम लोग देख सकते हैं। इसके बारे में आपको बताया होगा है ना, जिंजर के बारे में, मतलब मैंगो जिंजर। आपको पता है मैंगो जिंजर क्या होता है? मैंगो जिंजर जो है सब अभी भी यूज करते हैं, बट ये पुराना क्या बोलते हैं पेन किलर है, ठीक है। जो बॉडी पेन होता है ना उसमें भी ये यूज होता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने, पैरासिटिक वगैरह क्या क्या होता है ये हमने पढ़ा। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं जनरल डिफरेंस बिटवीन जो है रूट और स्टेम के बारे में। देखो रूट के बारे में हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होता है, और निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। तो यहाँ पे स्टेम क्या होगा? बिल्कुल उसके अपोजिट होता है भाई। स्टेम मैक्सिममली बेटा पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होगा, ठीक है। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है और निगेटिवली जियोट्रॉफिक है, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, मतलब दोनों एक दूसरे के है ना उल्टे पुल्टे हैं। बट जैसे अभी हमारे एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन दिया है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कोई अगर आपको अंडरग्राउंड पार्ट देखने को मिलता है प्लांट का, तो आप इसको कैसे पहचानोगे, मतलब हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि इट इज अ रूट और स्टेम। तो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे हम लोग पहचान लेंगे, क्योंकि स्टेम के ऊपर हमेशा नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, ठीक है। स्टेम जो है उसके ऊपर नोड और इंटर नोड, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इवन उनके ऊपर बेटा बर्ड्स देखने को मिलते हैं आपको, या स्केली लीव्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीजें आपको रूट्स के ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, नोड इंटर नोड लीव्स बर्ड्स यू विल नेवर सी दिस थिंग्स ऑन द रूट्स, ठीक है। देखो बहुत सारे जो है मैक्सिममली जो स्टेम होते हैं, खास करके यंग स्टेम ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और रूट जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ट्रैपा है या टीनोस्पोरा है, जिनके रूट भी है ना फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऐसे मिलिटरी रूट मैंने आपको बताया था। नाउ देखो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ना, नो पीथ या पीथ, ये हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम का जो चैप्टर है इसके बाद में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये पीथ का डिफरेंस क्या है। दूसरा क्यूटिकल का भी बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, बट इसको आप समझते हो वैक्सी कोटिंग है ना, जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहां पे देखो वाटर लॉस हो नहीं रहा है, तो उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग मतलब क्यूटिकल की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो इसे भी हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। हाँ रूट कैप जो है डेफिनेटली बेटा सिर्फ रूट्स में देखने को मिलेगा, इनके केस में स्टेम में ये कैप वगैरह जो सिस्टम है ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे एक डिफरेंस आप नोट कर सकते हो कि रूट्स में होते हैं रूट हेयर। अब बेटा रूट हेयर कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर है ना, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर। अब ये ट्राइकोम भी हेयर ही होते हैं, मतलब स्टेम के ऊपर लीफ के ऊपर जो हेयर होते हैं इनको हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? होता ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन से, बट ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर, इज इट क्लियर? ठीक है, ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये पेरिसाइकल वाला जो डिफरेंस है डेफिनेटली वो हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। एंडोडर्मीज भी बेटा हम लोग देखेंगे इन अगेन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। ये एक चीज है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, ब्रांचेस फॉर्म इंटरनली फ्रॉम द पेरिसाइकल एंड ब्रांचेस फॉर्म एक्सटर्नली फ्रॉम द लैटरल बर्ड्स। तो देखो बर्ड से ब्रांचेस डेवलप होना ये कैरेक्टरिस्टिक सुपरफिशियली होता है, ऊपर ऊपर बर्ड आता है और बर्ड से ही बेटा ब्रांच डेवलप होती है। ये डेफिनेटली स्टेम में होगा क्योंकि स्टेम में बर्ड होते हैं, इसीलिए बर्ड से ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा।
स्टेम में बर्ड होता है इसमें डेफिनेटली होता है आपको, है ना, 100% बर्ड से ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। अब रूट के केस में अंदर जो जाइलम फ्लोएम के ऊपर का कवरिंग है जिसको स्टील कहते हैं हम लोग, स्टील क्या होता है, स्टील ये जो वर्ड है ये क्या है, जाइलम फ्लोएम का बंडल जो होते हैं, है ना, वहां से बेटा जो उसके ऊपर कोटिंग होता है स्टील के ऊपर, तो ये जो स्टील है ना पेरिसाइकल के अंदर एक लेयर है, सिंगल लेयर है जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसको हम स्टील कहते हैं। तो वहां से बेटा इमर्ज होता है लैटरल रूट। तो रूट जो है उसका ओरिजिन जो है, मैंने बोला ना यही तो है ना, यहाँ पे क्या करा मैंने, तो पेरिसाइकल ये जो पॉइंट है हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। अभी बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इसको हम लोग देखो, इसको ऐसे बोलेंगे तो जब भी लैटरल ब्रांचेस डेवलप होती है ये होती है अंदर से, तो वो एंडोजिनस होती है इन केस ऑफ द रूट, बट जो स्टेम के फॉर्मेट में अगर आप देखो तो एक्सोजिनस होती है, मतलब ऊपर ऊपर की जो त्वचा है वहां से बेटा ब्रांचेस डेवलप होती है, ये अंदर जहाँ पे जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट है वहां से बेटा ब्रांच निकलती है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट द simple difference that we are talking about, endogenous as well as what the exogenous branching आपको देखने को मिलती है। ओके, तो क्या बेटा आप सबका सीबीएसई बोर्ड ही है क्या, जो अभी आप है ना सबका एवरीवन, आज रिजल्ट किसका लगा है, सीबीएसई का लगा है आईसीएसई लगेगा, सबका आईसीएसई का हो गया, किसका बेटा ICSC का आ गया। यस सर आ गया थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया, चलो तो शायद कल आएंगे। तो देखो पास तो आप हो ही जाओगे। तो मुद्दा यहाँ पे है कि हमें बहुत फ्यूचरिस्टिक रहना है, जो भी हमारा स्कोर आए दैट इज है ना वेलकम, दैट विल बी वेलकम, दैट विल बी कांग्रेचुलेटेड, अपनी पीठ को थपथपाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो एम है वो इसके 2 साल बाद आने वाला है, ठीक है, अब आप उसको उसकी तरफ चल पड़े हो, सो जस्ट फोकस ऑन इट। यस, सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नोटिस करते हैं कि देखो हमने शूट सिस्टम ये वर्ड यूज किया, व्हाट इज द शूट सिस्टम, यू नो मैंने आपको ये बात बताई थी कि शूट सिस्टम है ना इज डिफरेंट देन द स्टेम, स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम क्या होता है, stem is the part of the shoot system, stem is the part of the shoot system। तो हम लोग अभी stem के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि shoot system में सब कुछ आ जाएगा, flowers भी आएंगे, leaves भी आएंगे, जो भी है ना ground के ऊपर वाला जो भी part मुझे दिखने को मिल रहा है वो सब कुछ बेटा shoot system में आ रहा है, ठीक है। root system है ना underground part होता है खास करके, ठीक है, ये उसमें सिर्फ roots ही देखने को मिलते हैं। So, normal है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। So, we'll study about the stem। तो देखो जब भी हम लोग शूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ये नोटिस करना है ना शूट के डेवलपमेंट के लिए स्टेम के ऊपर अलग अलग बेटा है ना जगह पे बर्ड्स डेवलप होते हैं। बर्ड को हम लोग हिंदी में है ना अंकुर कहते हैं, अंकुर, जिससे नए ब्रांचेस, फ्लावर, लीव्स ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अ बर्ड, तो देखो बर्ड एक कंडेंस्ड ग्रोविंग इनिशियल पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम है। मतलब बर्ड क्या है, एक छोटा सा ग्रोइंग पॉइंट है जहां से ब्रांच डेवलप होगा, जहां से लीव्स डेवलप होंगे, जहां से फ्लावर डेवलप होंगे, तो उसको हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। वो एक कंडेंस्ड ग्रोइंग पॉइंट है, मतलब वहां पे सारे सेल्स एक जगह पे आ जाते हैं, ठीक है, जिससे वो आगे चल करके सारे पार्ट बना सके। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ द पेटियोल, पेटियोल का आप देखो मतलब लीफ का जो ब्रांच होता है, लीफ का जो स्टैक होता है उसको पेटियोल, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, सिंपल और कंपाउंड लीव्स में भी आपको है ना एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलता है, सो विल सी अबाउट दिस, बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको वो पॉइंट अभी ये दिख रहा है आपके सामने, हम लोग दो प्रकार के लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, एक लीव होता है जिसको हम लोग सिंपल लीव बोलते हैं, एक लीव होता है जिसको हम लोग कंपाउंड लीव बोलते हैं, बराबर है। तो ये सर ये लीफ ही है क्या, इसको हम लोग लीफ क्यों बोल रहे हैं, ये एंटायर जो है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स है
इसको हम कंपाउंड लीफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो बेस होता है ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बर्ड आपको देखने को मिलेगा, सेम वे यहाँ पे बर्ड देखने को मिलेगा, बट जहाँ लीफलेट का बेस है वहां आपको बर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो बर्ड के प्रेजेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड, बर्ड के प्रेजेंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि जो लीफ है वो सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है। ठीक है, इस हिसाब से बेटा हम लोग 100% समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है? सो नाउ देखो, अभी हमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्या ना लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है। देखो कैबेज जो है बेटा वो लार्जेस्ट बर्ड होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो देखो, अगर आप कैबेज को है ना उसका जो सेक्शन लोगे, आप लोग ऊपर से नीचे के लिए काटोगे है ना, वर्टिकल सेक्शन लोगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से बेटा एक स्टेम देखने को मिलता है और बहुत सारे बेटा उसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे पास पास में बिल्कुल बेटा बहुत सारे नोड होते हैं और यहाँ से लीव्स निकलते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग पत्ता गोभी बोलते हैं, ठीक है, डब्बा गोभी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो भी बोलना चाहते हैं। बट आपको नोटिस करना है कि सारे जो लीव्स है वो कंडेंस्ड है, पूरा का पूरा इंटरनोड जो होते हैं, नोड तो इतने पास पास में है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर एक गिबरेलिक एसिड नाम का एसिड आता है, मतलब हार्मोन आता है, उसको डालोगे तो ये इलोंगेट हो जाएगा, मतलब इसकी इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो भी बेटा कैबेज देखते हैं, कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा मुद्दा है। सो क्या कितने प्रकार के बर्ड के टाइप देखने को मिलेंगे, दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द बर्ड, दो प्रकार के बर्ड होते हैं। हम टाइप्स ऑफ बर्ड को देखते हैं, मतलब जो भी अंकुर होते हैं उसके दो टाइप, एक होगा उसको बोलेंगे वेजिटेटिव बर्ड और दूसरा टाइप बेटा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड और फ्लोरल बर्ड, देखो बहुत सिंपल है, रूट वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम वेजिटेटिव पार्ट है, लीफ वेजिटेटिव पार्ट है। तो बेटा जिस बर्ड से स्टेम बनेगा, ब्रांच बनेगी, लीव्स बनेंगे, इनको मैं वेजिटेटिव बर्ड कहता हूँ। ठीक है, इसके चार टाइप है बेटा, एक है टर्मिनल बर्ड, एक है एक्सिलरी बर्ड, एक है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड और एक है फोलियल बर्ड। मतलब देखो अगर हम लोगों ने ये बना दिया स्टेम, अभी स्टेम में देखो बच्चों, अगर इसके एकदम टिप के ऊपर बर्ड डेवलप होता है तो ये कौन सा बर्ड हो गया है ना, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द टर्मिनल और द एपाइकल बर्ड, तो आगे चल के लेंथ बढ़ाएगा इस है ना स्टेम की। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं ये है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने पेटियोल बनाया और यहाँ पे बच्चों लीफ है, तो इसके एक्सिल में जो बर्ड डेवलप होगा, यहाँ पे जो बर्ड डेवलप होगा ये कौन सा बर्ड होगा, ऑब्वियसली बेटा एक्सिलरी बर्ड है, तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द बर्ड। कभी कभी एक्सिलरी बर्ड के आजू बाजू में यहाँ पे बेटा कुछ एक्स्ट्रा बर्ड होती है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, ये तीसरा वाला, या तो एसेसरी बर्ड भी कहते हैं। और चौथा है बेटा फोलियर बर्ड। अभी फोलियर बर्ड का मतलब होता है अगर लीव्स के ऊपर ही बर्ड डेवलप हो जाए, लीव के ऊपर अगर बर्ड डेवलप हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज अ फोलियर बर्ड। ये है फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेटिव बर्ड। ऑब्वियसली बेटा आप लोगों ने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट देखे होंगे, तो इफ यू सी द फ्लावरिंग प्लांट, तो देखो बेटा फ्लावरिंग प्लांट में आपको इस तरह का बेटा पार्ट देखने को मिलेगा जिससे फ्लावर बनेगा आगे चल करके। तो जिस बर्ड से फ्लावर बने, ठीक है, जिस बर्ड से फ्लावर बनेगा इसी बर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरल बर्ड बने कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ दो मेन टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो है वो जो है बर्ड, कॉलीफ्लावर इज ऑल्सो एग्जाम्पल। देखो कॉलीफ्लावर के केस में जो आपको चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी ब्रांचिंग देखने, ब्रांचेस छोटे छोटे ब्रांच इमर्ज होकर के आते हैं और वो सारे है ना इन्फ्लोरेसेंस टाइप ग्रो होता है, वहां पे वो बर्ड टाइप नहीं है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। सो बच्चों यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ नोटिस करना है, देखो चार प्रकार के बर्ड हमको देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4। श्योर, देखो ये है फ्लोरल बर्ड। नाउ सी वन बाय वन, एक एक को देखेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सिंपल डायग्राम, क्या सिंपल डायग्राम है, देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बेटा अपाइकल बर्ड, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूँ अपाइकल बर्ड, बराबर है ना। ये
ये एपिक्स के तरफ है, मतलब ये लेंथ बढ़ाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बर्ड देखने को मिल रहा है, ये है एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अभी ये देखो, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है जो कि उसके ऊपर है, इसलिए इसको सुपरपोज्ड बर्ड बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी के टाइप आपको देखने को मिलता है, जैसे देखो ये कोलैटरल बर्ड है, ये भी एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड का टाइप है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आपको एक्सिलरी बर्ड देखने को मिल रहा है, बस उसके अपोजिट साइड में एक और बर्ड देखने को मिल रहा है। तो जब एक्सिलरी बर्ड के बाजू में और बर्ड्स डेवलप होना शुरू हो जाए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, ऐसा उनको बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये ब्रायोफाइलम जैसा लीफ है, तो यहाँ पे बच्चों आपको बर्ड जो है मार्जिन में, लीफ के मार्जिन में आपको बर्ड डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे फोलियर बर्ड। इनको क्या बोलेंगे, फोलियर बर्ड, फोलियर बर्ड, ठीक है। और देखो जहां जिसे यार फ्लावर डेवलप होता है, तो जिससे फ्लावर डेवलप होगा, ऐसे बर्ड को बच्चा हम लोग फ्लोरल बर्ड कहते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल चीज है, बर्ड के बारे में हमको पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग बर्ड्स को यूज भी करने वाले हैं, जैसे टेंड्रिल आएगा या कुछ भी आएगा तो उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये था बेटा कंसेप्ट रिगार्डिंग द बर्ड्स। नाउ आते हैं स्टेम की तरफ, ठीक है। स्टेम के ऊपर ही बर्ड आते हैं, ठीक है। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमूल, जैसे हमने रूट के बारे में बात की थी, रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, है ना, रेडिकल से रूट बनता है, बराबर है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, प्लूमूल से स्टेम बनेगा, दैट्स इट। प्लूमूल जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे बेटा यहाँ आपको नोटिस करने को मिलेगा, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। नाउ द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड, तो डेफिनेटली बेटा जब भी आप स्टेम को देखोगे, जैसे हम लोग बात करते हैं बैम्बू के बारे में, तो बैम्बू आप लोग देखोगे तो वहां पे आपको ऐसे 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 आपको देखने को मिलेगा, यार देखो ये है नोड, ये है नोड, और नोड नोड के बीच में जो लेंथ आपको देखने को मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड, इट्स अ सिंपल थिंग। नेक्स्ट, अब देखो रीजंस ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, व्हाइल द पोर्शंस बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड। ऑब्वियसली बेटा ये पोर्शन है जहाँ नोड आ रहा है ना, यहाँ पे पोर्शन देखो, सॉरी यहाँ लीव्स आ रहा है, ये है ना, तो नोड और नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग इंटर नोड कह रहे हैं, और हर एक नोड पे आपको एक लीफ ओरिजिन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टेम्स डेफिनेटली बेटा निगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दे ऑलवेज मैक्सिमम ऑफ देम ग्रो ऑन द साइड ऑफ द एयर और एरियल पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। नाउ बात करते हैं यार फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन करेगा स्टेम। देखो मेन क्या फंक्शन है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट कर, बियरिंग लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स, मतलब उनको होल्ड करके रखना, है ना, मैकेनिकली वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है स्टेम। इवन और एक फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन की, कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट का मतलब होता है सुक्रोज खास करके, ठीक है, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस से बनेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनको बेटा कंडक्ट कराना है रूट से लेकर आगे या लीफ से लेकर रूट की तरफ, दोनों वे में, ठीक है। इसको ये सब चीजें बेटा ये सपोर्ट करेगा, ये इसकी मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों, ठीक है। एक और प्राइमरी फंक्शन है, जैसे रूट का भी था, क्या था एक प्राइमरी फंक्शन, दैट इज व्हाट द हार्मोन ना सिंथेसिस। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सिन साइटोकाइनिन इन सब के बारे में, तो ये क्या करता है, ऑब्वियसली हार्मोन का भी सिंथेसिस इसमें होता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन इन कंपोनेंट्स का, लिबरिलिक एसिड ये सब, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि स्टेम का जो टिप है, खास करके अपाइकल मेरिस्टेम जो बर्ड रीजन होते हैं वहां पे बेटा ये हार्मोन्स पड़ते हैं ना, ये सब में होगा। बट देखो सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, अब ये सेकेंडरी है, तो सारे स्टेम ऐसा करेंगे नहीं, स्टोरेज करना है या अलग प्रकार के सपोर्ट देना है या प्रोटेक्शन देना है, जैसे कि थॉर्न डेवलप होता है, प्रिकल्स डेवलप होते हैं या स्पाइंस डेवलप होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं,
और बहुत से तो ऐसे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करेंगे. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्शन, बराबर. सो इट विल हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में मदद करेगा. ये बहुत नॉर्मल और सिंपल सी चीज है जो हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है. सो प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड राइट. नाउ आगे बढ़ते हैं. तो देखो हमें अलग अलग प्रकार के स्टेम देखने को मिलते हैं. कौन कौन से स्टेम से बच्चों, देखो फॉर्म्स ऑफ द स्टेम आपने ये सब देखे हुए हैं इसलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. देखो ना स्टेम दो प्रकार के तो होंगे ना, एक होता है स्ट्रॉन्ग स्टेम और एक होता है वीक. वीक मतलब कमजोर. आपने देखा होगा जो सपोर्ट लेकर के क्लाइंब करते हैं, मनी प्लांट का स्टेम कैसा होता है ना. जैसे हम लोगों ने अगर जिम्नोस्पर्मिया टेरिडोफाइट में भी देखा तो उसमें भी बहुत सारे प्लांट थे जैसे कि सिलाजिनेला, ये टेरिडोफाइट है बराबर है, उसमें भी स्टेम कैसा. वीक स्टेम वाले जो होते हैं वो डेफिनेटली है ना वो क्या करते हैं सपोर्ट लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग स्टेम. तो पहला टाइप यहाँ पे आपके सामने है बच्चों वो है कॉर्टेक्स या कॉलमनर, है ना. कॉर्टेक्स क्या बोलते हैं, कॉलमनर, है ना. ये है जैसे कि आपने कोकोनट प्लांट देखा होगा, नारियल का पेड़, पाम ट्री देखे होंगे, तो इनमें डेफिनेटली इट इज अनब्रांच्ड. इवन अगर आप जिम्नोस्पर्म को याद करो तो जिम्नोस्पर्म के केस में बच्चों साइकस जो है ना हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइकस में भी अनब्रांच्ड स्टेम होता है. सो इट इज अनब्रांच्ड इरेक्ट सिलिंड्रिकल स्टेम, एक सिंगल स्टेम आपको देखने को. और यहाँ पे स्कार्स आपको देखने को मिलेंगे जो ओल्ड जो पत्ते हैं जब गिर जाते हैं. So and marked with the scars of the fallen leaves. So it has the scars of the fallen leaves also. ठीक है, तो palm है या coconut है. These are the trees have the cortex. ठीक है, या columnar tree. आगे बढ़ते हैं बच्चों. उसके बाद आता है curl. ये curl तो आपने जरूर देखा होगा. Best example is the bamboo. ठीक है, joint stems with the solid node. देखो ये जो node होता है ना ये बहुत solid होता है यार. बट आप देखोगे यहाँ देखो सॉलिड नोड बट अंदर यहाँ पे हॉलो होता है ना. आप बांसुरी बनाते हो तो क्यों बनाते हो इसकी, है ना. सो हॉलो होता है ये, बिल्कुल हॉलो होता है अंदर से. आप देखो इंटर नोड इज हॉलो एंड नोड्स आर सॉलिड. ठीक है, तो सॉलिड नोड्स एंड द हॉलो इंटर नोड्स, ये चीज आपको जब देखने को मिलेगी तो इनको हम लोग बोलते हैं कर्ल, है ना. ये आपको देखने को मिलेगा बैम्बू जैसे एग्जाम्पल्स में. आगे बढ़ते हैं बच्चों. फिर आता है डेलिक्वेसेंट. ये ट्री तो बहुत से आपने देखे होंगे, लॉट ऑफ जिसको एक्सटेंसिव और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आती है, बराबर है. मतलब देखो यहाँ से एक स्टेम निकला मेन वाला, इसको बहुत सारे ब्रांचेस आए, लॉट ऑफ इन ब्रांचेस के ऊपर और ब्रांचेस आए. सो दिस वे इट विल स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितना भी हो सकता है वो प्रॉपरली स्प्रेड होगा. तो ऐसे जो ट्रीज होते हैं या स्टेम्स होते हैं उनको हम लोग डेलिक्वेसेंट ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं. ब्रांच स्टेम फाउंड इन ट्रीज, ये बहुत ही कॉमन है, ज्यादा करके आपको यही देखने को मिलेगा. बनियन ट्री, मैंगो, नीम, ऑल दिस एग्जांपल्स आर देयर जिनमें बेटा आपको डेलिक्वेसेंट कंडीशन देखने को मिलती है. ऑब्वियसली बेटा ये सब चीजें बियॉन्ड एनसीईआरटी है, हम लोग ज्यादा यहाँ पे चीजें नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट मैं सिर्फ आपको आइडियाज होगी. हाँ ये सब बातें हैं तो एनसीईआरटी तो बहुत कम है, जो भी चीजें दी है बहुत कम चीजें दी है. ठीक है, यहाँ पे आते बेटा एक्स करंट क्या होता है. आपने देखो यार ये पाइन्स देखे होंगे, क्रिसमस ट्री है ना, सिट्रस, ये देखोगे मतलब इनको तो आप देखोगे ये कोनिकल होते हैं. ठीक है, और इनका जो मेन स्टेम होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और बाकी छोटा, फिर उससे छोटे, फिर इस तरह से छोटे होते चले जाते हैं. इसलिए इट विल फॉर्म ए कोन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, कोन शेप ट्री जो होता है उनको हम लोग एक्स करंट कहते हैं. तो चार टाइप मैंने बताया बेटा, एक कॉर्टेक्स, एक कल्म, एक डेलिक्वेसेंट, एक एक्स करंट. ये चारों टाइप किसके हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेम, है ना. तो स्टेम स्ट्रॉन्ग है और उसके चार टाइप हमने यहाँ पे अभी नोटिस किए. ओके, वीक स्टेम का क्या मतलब है, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के वीक स्टेम आपको देखने को मिलते हैं, है ना. वीक स्टेम में पहला टाइप है बच्चों ट्रेलिंग का, ट्रेलर का. अब ये ट्रेलर क्या चीज होती है, चलो समझ लेते हैं. ये वीक है मतलब ये जमीन के ऊपर फैलते चले जाते हैं,
है ना, इस तरह से स्प्रेड होंगे ऑन द अर्थ। ये मेन स्टेम उसका होगा जहाँ पे उसका रूट्स होते हैं। अब ये देखो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर बेटा यहाँ से ये फैलते चले जाते हैं, है ना, ऑल जितना पॉसिबल डायरेक्शन में जमीन के ऊपर फैल सकते हैं फैलते हैं, ठीक है। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है, इट इज द वीक स्टेम दैट स्प्रेड्स ओवर द सर्फेस ऑन द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। देखो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, है ना, तो बहुत सारे ऐसे बेटा आपको वीक स्टेम देखने को मिलेंगे, वो जमीन के ऊपर फैलते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे आपको उनको देखने को मिलेगा बेटा, हर नोड पे रूट आता है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, है ना, रूट्स जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे, बस ये वाला ही रूट उसको सपोर्ट करेगा जो यहाँ है मेन, ठीक है, ये वाला रूट उसको सपोर्ट करता है, तो बाकी जितनी स्टेम्स फैलते हैं वहां रूट्स नहीं आते, सिर्फ लीव्स आते हैं, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल्स वैसे भी याद रखने की जैसे जरूरत नहीं है, ट्राइडैक्स है या इवोल्वुलस है, तो ये है ट्राइडैक्स, ठीक है। तो इनके केस में आप नोटिस करोगे कि ट्रेलर ट्रेल करने वाले जो होते हैं, जो ट्रेलर होते हैं, उनमें नोड के ऊपर रूट्स नहीं आते, ठीक है। अभी ट्रेलर के कुछ टाइप है जैसे कि प्रोस्ट्रेट और प्रोकुम्बर, ठीक है, जो कि इवोल्वुलस में आपको देखने को मिलता है, कुछ नहीं। स्टेम ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड एंड लाई प्रोस्ट्रेट, मतलब ये जमीन के ऊपर फैलते रहते हैं और कभी ऊपर उठते नहीं है, जस्ट दे आर ऑन लाइंग डाउन ऑलवेज ऑन द अर्थ सर्फेस, तो वो अर्थ क्रस्ट के पैरेलल होते हैं, कभी ऐसे ऊपर बेटा उठेंगे नहीं, ठीक है, सो दे जस्ट ट्रेल ऑन द अर्थ सर्फेस, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्ट्रेट और प्रोकुम्बेंट, ठीक है, ये ट्रेलर ही है। दूसरा होता है डिकम्बेंट, डिकम्बेंट का मतलब है स्टेम ट्रेल्स फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक ट्रेल करते हैं फिर अचानक बेटा वो ऊपर उठ जाते हैं लाइक दिस, ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ रूट है, यहाँ मेन स्टेम जैसा ओरिजिन पार्ट है, यहाँ तक ट्रेल किया फिर ऊपर उठ गया, यहाँ पे लीव्स आ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ऊपर जो है पोर्शन उठे हुए आपको राइजेस एट इट्स एपिक्स, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है ट्राइडैक्स में, पोर्टुलेका में, इन केसेस में बेटा आपको ये डिकम्बेंट कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरा है बेटा डिफ्यूज, डिफ्यूज में होता क्या है, इसमें अलग ही चीज होती है कि मेन स्टेम है ना इरेक्ट होता है, बट इससे जो ब्रांचेस निकलती है वो नीचे की तरफ झुकती है और फिर जमीन के ऊपर बेटा ट्रेल करने लगती है। देखो ये मेन स्टेम है, ठीक है, और मेन स्टेम यहाँ से निकलेगा और बाकी सारे बेटा ये इधर उधर हर डायरेक्शन में फैलते चले जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन दे विल ग्रो, ओके। तो ये था ट्रेलर के बारे में, आपको इतना याद नहीं रखना है, बस ट्रेलर क्या है ये याद रखो, ट्रेलर वो है जिसके नोड्स के ऊपर रूट डेवलप नहीं होते, ओके। नाउ देखो क्लाइंबर एक अलग पॉइंट है, क्लाइंबर क्या है बच्चों, स्टेम्स व्हिच अटैच देमसेल्फ टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ द सम स्पेशल डिवाइसेस, जैसे कि हुक्स होते हैं या टेंड्रिल्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं टेंड्रिल्स, यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, तो इनकी मदद से टेंड्रिल्स यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है, तो ये जो चीजें होती है इनकी हेल्प से बेटा वो है ना वीक स्टेम है, जैसे कि आप मनी प्लांट को भी देखोगे तो वो है ना कहीं ना कहीं बेटा सपोर्ट पे चढ़ते चले जाते हैं, दे क्लाइंब, जैसे बुगेनविलिया में हुक्स की मदद से वो क्लाइंब करते हैं, या वाइल्ड पी में बेटा टेंड्रिल्स के इससे मदद से बेटा वो क्लाइंब करते हैं, तो ऐसे वीक स्टेम को हम लोग कहते हैं क्लाइंबर। तो ट्रेलर और क्लाइंबर तो बहुत इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है। तीसरा है क्रीपर, क्रीपर क्या होते हैं, क्रीपर में एक बहुत सिंपल डिफरेंस है, ये भी ट्रेलर जैसा ही है, अब आप समझ भी जाओगे, ये देखो ये ट्रेल कर रहा है बट इसके हर नोड के ऊपर जैसे ऊपर लीव्स आएंगे नीचे रूट आएगा, ये नोड है तो ऊपर लीव्स आएंगे नीचे इस तरह से रूट आएंगे, तो हर जब भी क्रीपर जो होते हैं वो डेफिनेटली बेटा इनके हर एक नोड के ऊपर नीचे जो है जमीन से लगा हुआ रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये नोड है इस नोड पे बेटा आपको रूट देखने को मिला, फिर एक नोड है फिर यहाँ से रूट देखने, फिर नोड है तो फिर से इस तरह से यहाँ पे ये चीज आपको ट्रेलर्स में देखने को नहीं मिलती। सो दीस स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली on the ground and gives off roots at each node. तो हर node जो होता है, देखो चार्ली नाम का एक plant यहाँ पे दिया गया है, देखो trailer अलग है और creeper अलग है, ठीक है, trailer और creeper में आपको difference अगर समझ में आ चुका है, तो
बच्चों मैंने आपको स्ट्रॉन्ग स्टेम सॉरी स्ट्रॉन्ग स्टेम एज वेल एज व्हाट द वीक स्टेम ऐसे दो टाइप बताया है. स्ट्रॉन्ग स्टेम में मैंने चार टाइप आपको बताए हैं है ना, तो वीक स्टेम में भी मैंने आपको यहाँ पे तीन टाइप बताए हैं बराबर, ट्रेलर क्रीपर एंड क्लाइंबर. आई होप यू कैन डिफरेंशिएट इट बिटवीन देम. यस ठीक है आगे बढ़ो. नाउ स्टेम के बारे में हमने टाइप पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट देखो एनसीईआरटी नीट जो भी है वो क्वेश्चंस आपको कहाँ पे पूछता है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं एट द लेवल ऑफ द मॉडिफिकेशंस. ठीक है, मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ मॉडिफिकेशंस के ऊपर ही पूछे जाते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, ये है बच्चों कि नॉर्मली जितने भी प्लांट्स होते हैं चाहे उसका स्टेम हो लीफ हो या रूट हो, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बेटा नीट पूछता नहीं है यार, है ना. ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑन द फ्लावर्स फ्रूट इनके टाइप के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन ही नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये इसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा. So let's understand, let's see three different modifications of stem. पहला modification है underground modification, दूसरा है sub aerial modification और तीसरा है aerial modification. So there are lot of different types of the modifications present. So underground modification में हम लोग चार प्रकार के modification पढ़ने वाले हैं, rhizome, bulb, form and tuber. ये है 1 2 3 4. ठीक है, सब एरियल में भी चार है, रनर सकर स्टोलोन ऑफसेट. ठीक है, उसके बाद बेटा एरियल मॉडिफिकेशन में भी आपको यहाँ पे पांच दिए हैं, टेंड्रिल है, थॉर्न है, हाइलोक्लेड है, क्लैडोड है और बल्बिल है. तो ये तो इतने सारे हम लोग मॉडिफिकेशन जो है देखने एरियल मॉडिफिकेशन में. ठीक है, ये पांच है, फाइव तो फोर फोर फाइव ये आप समझ सकते हो, है ना. थ्री फोर फाइव है ना, तीन मॉडिफिकेशन है ना, तीन के बेटा चार चार एग्जाम्पल है, पहले के चार है, दूसरे के फोर है, एंड देन लास्ट वन आल्सो है, फाइव डिफरेंट मॉडिफिकेशन. देखो बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं बट हम लोग है ना जितना है लिमिटेड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. डाइवर्सिटी है भाई, डाइवर्सिटी में तो इतना सारा अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेंगे, इसका कोई लिमिट ही नहीं. ना आप देख सकते हो यहाँ पे है ना स्टोलोन दिया है, स्टोलोन में एग्जांपल जिसके चास में बोलो कैसी है. ठीक है, रनर दिया है तो साइनोडोन. अब ऐसे एग्जांपल हमको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ही सबसे इम्पोर्टेंट मूसा क्या होता है पता है किसी को, मूसा मतलब बनाना. ठीक है, मूसा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ द बनाना. So let's begin with this underground modifications. तो ये जो मेरा slides है इसमें थोड़ा सा change है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ notice कर लेते हैं, we'll start with the underground modifications. ठीक है, so देखो underground modification देखो बहुत आसान है, आपने जरूर बेटा potato देखा है ना. ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आप जानते नहीं, पोटैटो सबने खाया है, तो और लोगों को पोटैटो पसंद भी होता है, कुछ लोग नहीं खाते. ठीक है, सो देखो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑकर जनरली फॉर द फ्रूट स्टोरेज. ये बात नोटिस करनी है कि हम लोग जितने भी मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं उनका
का एक्चुअली एडवांटेज क्या है, तो कौन से सेकेंडरी फंक्शन के लिए बने हुए हैं, ये नोटिस करना हमारे लिए जरूरी है। अभी देखो जब ट्यूबर, राइजोम, फॉर्म, ये जो भी पढ़ेंगे ना, ऑल दीज, ये सारे के सारे जो मॉडिफिकेशन है बच्चों, ये सारे मॉडिफिकेशन किस चीज के हैं, ऑल ऑफ देम आर द मॉडिफिकेशंस फॉर द स्टोरेज, स्टोरेज के, ठीक है। सो लेट्स डू अंडरस्टैंड दिस ऑल। देखो ट्यूबर ये क्या पार्ट है, द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, यार नोटिस करना, द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल। तो कभी ट्री को देखोगे ना, मतलब देखो ये ऊपर के ब्रांचेस है ना, यहाँ पे मेन स्टेम है, ये रूट्स है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ब्रांच निकलेगी बेटा, कुछ ब्रांचेस जमीन के अंदर अंडरग्राउंड ग्रो होना चाहती है, ये ब्रांच अंदर जाती है, फिर उसका टिप में स्वेलिंग आता है, ठीक है। तो याद रखना, इट इज अ टिप, द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन, तो जो ट्यूमर होता है इट्स अ टिप, स्वोलन टिप, है ना, इज इट क्लियर, है ना। तो यहाँ पे बच्चों नोटिस करते हैं कि ये जो भी बर्ड होते हैं, देखो यहाँ पे बर्ड आपको देखने को मिल रहा है इस पोजीशन पे, यहाँ पे भी बर्ड आपको देखो, तो आपने अगर पोटैटो देखा है, ठीक है, अभी तो खास करके रेनी सीजन चल रहा है, अगर एक भी पोटैटो थोड़ा सा भी उसको मॉइस्चर मिलता है तो बर्ड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं आई, आई, आईज आर फाउंड ऑन देम। तो जहां जहां आई है ना, वहां वहां नोड है, ये नोड के ऊपर डेवलप हो रहा है, ठीक है। और दो आईज के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड, समझो आप इसको, ठीक है। पोटैटो का स्ट्रक्चर है बड़ा ही सिंपल, तो दो आईज के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंटर नोड, ठीक है। नोड, नोड के बीच का डिफरेंस, तो नोड जहाँ पे है वहां पे ही बेटा यहाँ पे आईज जो होती है डेवलप होती है। नाउ ये जो आई है वहां पे कौन सा बर्ड होगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो इट हैज एक्सिलरी बर्ड्स एंड स्केली लीव्स, ठीक है। जहां पे आईज होती है वहां पे क्या क्या होता है, सो आई हैव द एक्सिलरी बर्ड एज वेल एज द स्केली लीव्स, लैटरल बर्ड, नॉट अ टर्मिनल बर्ड, अपाइकल बर्ड नहीं है, तो यही क्वेश्चन आ सकता है, एक्सिलरी बर्ड एज वेल एज वर्ड भी, है ना, या तो स्केली लीव्स इनको हम लोग बोलते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है, स्केली लीव्स है, ग्रीन लीव्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस करने वाले लीव्स नहीं है, स्केली है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। इसी को हम लोग आय बोलते हैं। बट एक पॉइंट मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, ठीक है। ट्यूबर्स डू नॉट हैव एडवेंटिशियस रूट्स। देखो मैं चार प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बताने वाला हूँ, एक है ट्यूबर, दूसरा है राइजोम, तीसरा है कॉर्म, बराबर है, और चौथा है बल्ब। तो बाकी तीन है ना, तीनों में एडवेंटिशियस रूट सबको देखने को मिलते हैं, बाकी तीनों में क्या है एडवांटेज। मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एडवांटेजियस रूट्स, ऑप्शन ए ट्यूबर, ऑप्शन बी कॉर, ऑप्शन सी राइजोम एंड ऑप्शन डी बल्ब। तो आंसर बड़ा ही सिंपल है, क्या है आंसर, ट्यूबर। सो ट्यूबर में एडवांटेजियस रूट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, तो भाई साहब इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, सोलानम ट्यूबरोसम, है ना, ऐसा सोरियानम जिसको ट्यूबर्स होते हैं, तो दैट्स इट, सोरियानम ट्यूबरोसम, इजी है, आसान है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है, बताओ, है ना। सो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये बहुत ही सिंपल सा फंडा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, ओके, लेट्स मूव अहेड, द नेक्स्ट वन राइजोम। अभी राइजोम क्या है, इट इज अ फ्लेशी स्टेम व्हिच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, इट इज अ फ्लेशी स्टेम व्हिच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, ठीक है। स्मॉल नोड्स एंड इंटर नोड्स, यहाँ पे आपको नोटिस करना है ये ट्यूबर से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि उसका टिप में स्वेलिंग आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, टिप के ऊपर स्वेलिंग आ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है।
सो नॉर्मली ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, इट इज अ फ्लेशी स्टेम व्हिच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। ठीक है, यहाँ आपको ये भी चीज देखने को मिल रही, स्मॉल नोड्स एंड इंटर नोड्स आर फाउंड ऑन इट व्हिच आर कवर्ड बाय द स्केली लीव्स। देखो ट्यूबर पे भी स्केली लीव्स थे, यहाँ पे भी स्केली लीव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बट नोटिस करने वाला मुद्दा क्या है बेटा, यहाँ पे जो बर्ड डेवलप होते हैं वो कौन से प्रकार के बर्ड होते हैं, विच टाइप ऑफ द बर्ड दे हैव। सेकंड पॉइंट, कैन दे हैव द व्हाट वी कैन से द एडवेंटिशियस रूट्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, द राइजोम जिसको हम जिंजर बोल रहे हैं, है ना। जिंजर में आपको बेटा बहुत सारे नोड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, नोड्स के बिल्कुल पॉइंट पे बेटा जहां जहां नोड है वहां वहां पे आपको एडवांटेजियस रूट्स देखने को मिलते हैं, स्केली लीफ देखने को मिलता है और बर्ड देखने को। अब यहाँ जो बर्ड है बच्चों, ये बर्ड थोड़े दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट है राइजोम्स में कि दे कैन हैव एपिकल और एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ट्यूबर में पोटैटो में सिर्फ एक्सिलरी बर्ड होता है, यहाँ पे बेटा एपिकल हो सकता है या एक्सिलरी बर्ड हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ एक चीज नोटिस करना, बनाना एग्जांपल दिया है तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज आपको देखने को मिलेगी कि क्या बनाना में सकर होता है या बनाना में राइजोम होता है, तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। Now, small nodes and inter nodes are found on it, which are covered by the scaly leaves. यहाँ example है बेटा ginger, turmeric, canna, water lily, banana. Even अगर आपको याद होगा तो मैंने fern plant शायद नहीं आपको पढ़ाया, नहीं अभी तो था plant एकदम तो अभी तो पढ़ा। So देखो fern plant में भी मैंने बोला था rhizome. फर्न प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसमें भी बच्चों आपको राइजोम देखने को मिलता है। आपने शायद लोटस के बारे में सुना होगा, तो बेटा लोटस के भी केस में आपको डेफिनेटली बेटा राइजोम देखने को मिलता है। बट इस हिसाब से हमारे पास दो प्रकार के राइजोम होते हैं, एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग मोनो, एक को हम लोग कहते हैं मोनोपोडियल राइजोम, और दूसरा होता है बच्चों सिंपोडियल राइजोम। दो प्रकार के मोनोपोडियल राइजोम, ऐसा राइजोम जो हमेशा अपाइकल बर्ड से डेवलप होता है, जिस राइजोम में अपाइकल बर्ड होते हैं उसे हम लोग मोनोपोडियल राइजोम कहते हैं, और जिसमें बेटा है ना ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लैटरल बर्ड से जो ग्रो होते हैं इनको हम लोग सिंपोडियल राइजोम ऐसा कहते हैं। याद रखना है आसान, क्योंकि देखो जब भी आप कभी भी व्हेनेवर यू विल नोटिस द अपाइकल बर्ड, तो अपाइकल बर्ड एक सिंगल होता है, अकेला होता है, मोनो, ठीक है। ये अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बेटा आपको आप ऐसे उसको याद रख सकते हो मोनोपोडियल राइजोम। क्या मतलब होगा रे, कौन कौन बता सकते? What is monopodial rhizome? Can you give the answer? What is monopodial rhizome? Sir, the answer is very simple. The rhizome which grows by the apical bud is called as a monopodial rhizome. Okay, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है, okay. Sir, then what is a sympodial rhizome? ऐसा bird जो कि जो सिम है ना, जो कि एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं उनको हम लोग सिम्पोडियल राइजोम कहते हैं। दैट्स इट, करेक्ट है, लैटरल बर्ड से डेवलप होते हैं उनको हम लोग सिम्पोडियल राइजोम्स कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ये ग्रो कैसे होता है, ये ग्रो कैसे होता है जमीन के अंदर, इट ऑलवेज ग्रो हॉरिजॉन्टली। अब ये वर्ड हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टली बोल रहा हूँ, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का क्यों हम लोग क्यों बोल रहे हैं सर, व्हाई, ठीक है।
इसीलिए क्योंकि जब आप फॉर्म के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद में फॉर्म के बारे में पढ़ूंगा, तो फॉर्म जो होता है उसको हम वर्टिकल राइजोम बोलते हैं। क्योंकि देखो जब भी आप जिंजर खरीदने जाओगे ना, मार्केट में जाओ, बहुत बड़े बड़े जिंजर, वो तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के देता है। आप ओरिजिनल जिंजर देखो तो बड़ा वाला जिंजर वो निकाल के लाते, धो के आपके सामने देगा एकदम से। तो बिल्कुल ऐसे स्प्रेड होता है, मतलब जो भी उसका शॉप है ना सब्जी वाले का, वहां पे आप देखो वो ऐसे बिल्कुल है ना, जहां पे भी रखा है वो फैलता है, ऐसे फैलता है जमीन में। इट इज है ना, इट्स अ पैरेलल टू द है ना अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सो बेटा डेफिनेटली यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी राइजोम्स होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। करेक्ट है, कैसे करते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। दैट्स इट, डन। ओके, नाउ आपको आपको असाइनमेंट है, आप खुद ही ढूंढ लेना। जैसे मैं बोलता हूँ जिंजर, तो जिंजर ये राइजोम कैसा है? क्या ये सिंपोडियल है या ये मोनोपोडियल है? डू यू हैव एनी क्लू? ठीक है, ऑब्वियसली बेटा जिंजर है, ठीक है, सिंपोडियल राइजोम, ठीक है, एंड लोटस, मार्केट में लोटस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनोपोडियल राइजोम। जिंजर, टर्मेरिक, ये सारे सिंपोडियल राइजोम होते हैं जो कि लैटरल बर्ड से ग्रो होते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट, नॉर्मल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्न प्लांट का भी जो राइजोम है या लोटस का जो राइजोम है, ये मोनोपोडियल राइजोम्स में आते हैं। जो मैंने बाद में लिखे हैं वो मोनोपोडियल राइजोम के एग्जांपल हैं। ठीक है, जिंजर, टर्मेरिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंपोडियल राइजोम। दैट्स इट, डन। क्लियर, आगे बढ़े क्या, है ना? नेक्स्ट वन। उसके बाद आता है बेटा फॉर्म। फॉर्म क्या, मैंने आपको बताया वहां पे ध्यान देना था हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ आता है इट इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर which grows vertically under the soil. अब ये देखो, ये vertical rhizome है, इसको हम लोग vertical rhizome बोलते हैं। अब ये ऐसे grow होता है, नीचे की तरफ grow होना शुरू हो जाता है, like this. ठीक है, it will grow like that. You have to understand. ठीक है, अभी कुछ examples है, ऐसे कुछ examples है, जैसे देखो colocasia, alocasia, जमीन कंद, saffron, ये सब। अगर आप इनको देखोगे, नहीं बेटा, आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, उसमें ये सब सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एज यू गेट दिस स्टडी मटेरियल, है ना, उसमें बेटा सारे नोट किया गया है। ठीक, मुद्दा यहाँ पे है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ना है। उसमें जो जो एग्जांपल दिए हैं, मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ बेटा, तो सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो ये जैसे फॉर्म है, फॉर्म के बारे में जैसे मैंने इसको वर्टिकली अंडर, ये तो ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। सो हम लोग इसको हर पहलू को देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, तो इतने सारे नोट्स जब आपके पास में आ जाते हैं तो आप वो सब पढ़ना शुरू कर देते हो, और जो बेसिक जहाँ वहां पे जो जितना दिया है वही याद नहीं रहता, ठीक है। तो हमारा पर्पज जो है वो अनसॉल्व रह जाता है। तो डेफिनेटली है ना, यहाँ आपको सबसे पहला आपका काम है आपका एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ना, ठीक है। इट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर व्हिच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। पक्का एग्जांपल है कोलोकेशिया, किसी ने खाया है? कोलोकेशिया को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अरबी, है ना, जैसे छोटे छोटे होते हैं यार, पोटैटो जैसे अरबी बोलते हैं, तो कोलोकेशिया डेफिनेटली। और जमीन कंद भी आप लोगों ने खाया होगा, जमीन कंद को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज व्हाट द सूरन, सूरन बोलते हैं, सूरन ऐसे लिखेंगे यार इसको, सूरन बोलते हैं, ठीक है, सूरन बोलते हैं, या जमीन कंद बोलते हैं, ठीक है, या तो एलिफेंट्स फुट ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सो जमीन कंद ये जो चीज है, इससे देखो बहुत से लोग होते हैं इसमें, कुछ कुछ ऐसी वैरायटीज आपको जमीन कंद की मिलेगी जो खाने पे आपको जीभ को है ना इचिंग जैसा होता है ना, टंग इचिंग आपको होता है, ठीक है, कुछ वैरायटीज में नहीं होता है। सो कोलोकेशिया, जमीन कंद, सैफ्रॉन, ये जो है, सैफ्रॉन आप लोग नोटिस कर सकते हो, सैफ्रॉन में भी कॉर्म होता है जमीन के अंदर, सैफ्रॉन जो कि जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलता है, केशर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, केशर।
सेफ्रॉन, ठीक है। सो ये सब में बेटा आपको कॉर्न जो है वो ग्रो होते हुए दिखाई देगा, जो कि वर्टिकली ग्रो होता है, उसको भी एडवांटेजियस रूट्स है, है ना। वो टर्मिनल बर्ड है, टर्मिनल मतलब अपाइकल बर्ड वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलेगा, सॉरी। सो बल्ब स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड, अब ये अलग ही है, इसको आपने देखा है, स्टेम पता है कहाँ पे, अभी आपने लहसुन देखा होगा, अनियन देखा होगा, अनियन में, अनियन में बस ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग प्याज काटते समय काट के फेंक देते हैं ना, वही स्टेम है बस, दैट इज ओनली स्टेम। और इससे आपको यहाँ पे बहुत सारे रूट्स आते हुए दिखाई देंगे, मतलब दे हैव एडवांटेजियस रूट एंड दे हैव अ बेसल प्लेट और डिस्क लाइक स्टेम। सो स्टेम इज अ हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क लाइक, स्टेम डिस्क लाइक होती है एंड सराउंडेड बाय द न्यूमरस फ्लेशी लीव्स। तो जो आप खाते हो ना अनियन में, वो है बेटा फ्लेशी लीव्स। आप जो कंज्यूम करते हो अनियन में, जो आप कंज्यूम करते हो वो है बच्चों फ्लेशी लीव्स। बात क्लियर है, अनियन में जब आप जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअली है बेटा फ्लेशी लीव्स, ठीक है। आप स्टेम को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, दे आर द ओनली फ्लेशी लीव्स। और बिल्कुल डेफिनेटली मेनी एडवांटेजियस रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस, बेस से बेटा है ना, यहाँ पे आपको एडवांटेजियस रूट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक बर्ड देखने को मिलेगा सेंटर में, ठीक है, सो इट्स एन अपाइकल बर्ड। ये जो बर्ड होता है अपाइकल बर्ड, इसके आजू बाजू में आपको बहुत सारे स्केली और फ्लेशी लीव्स देखने को मिलते हैं। स्केली मतलब वो नॉन ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, या तो व्हाइट होते हैं या तो वो रेडिश कलर के होते हैं, ठीक है, रेडिश पिंक कलर के होते हैं आमतौर पे, जो खास करके आजकल अभी देखने को मिलेंगे दो प्रकार के आप अनियन देख सकते हो। वैसा ही गार्लिक में भी है बच्चों, गार्लिक के केस में भी आपको सेम ऐसा ही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सेंटर में इस तरह से एक बर्ड होता है, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्टेम होता है, नीचे रूट्स होते हैं। बस इसमें अलग होता है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो सेपरेट सेपरेट होते हैं, ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं, है ना, अलग 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 अलग, है ना, इस तरह से दे आर इंडिविजुअल लीव्स यू कैन सी। तो आपको इंडिविजुअल लीव्स आपको गार्लिक में देखने को मिलते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे अरेंज हो जाएंगे एंड देन गार्लिक में आपको, है ना, बस इसमें फर्क यही है अनियन और गार्लिक में, उनका लीफ का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। द फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, ये भी देखो, ये स्टोरेज के लिए बना जरूरी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, स्टेम इज नॉट स्टोरिंग द फूड, अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, स्टेम इज नॉट स्टोरिंग द फूड, ठीक है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, जो जमीन के अंदर ग्रो, ये पूरा एक पार्ट बेटा जमीन के अंदर ग्रो होता है, अनियन का जमीन के ऊपर जो पार्ट निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जमीन के ऊपर जो पार्ट निकलता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग That is called as one thing. हमें अभी यहाँ पे notice करना क्या है, देखो यहाँ पे simply अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि bulb के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, we talk about what the bulb. जब हम bulb के बारे में बात करेंगे तो यहाँ दो type है बेटा bulb के, two types of the bulb आते हैं। एक जो होता है, एक bulb जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों communicated bulb. One is a tunicated bulb. Another one is what a non-tunicated bulb. ठीक है, tunicated bulb में आपको दो प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे।
ओके तो पहला बच्चों मैं यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर रहा था कि देखो ट्यूनिकेटेड का क्या मतलब है। ट्यूनिकेटेड मतलब आप नोटिस करोगे अनियन को अगर आप काटना चाहते हो या जो गार्लिक के बेटे जो अभी लीव्स होते हैं उनको आप यूज करना चाहते हो कुकिंग, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनके ऊपर है ना एक प्लास्टिक जैसा कोटिंग होता है, स्किनी कोटिंग है सब, है ना, जिसको हम छिलका बोलते हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं। तो जो छिलका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिलके को टीका, है ना। सो दे हैव द ट्यूनिका, है ना, उनके ऊपर छिलका होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। कभी ओनियन के ऊपर बहुत सारे होते हैं, दो तीन होते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि अनियन में, अनियन के केस में आपको देखने को मिलेगा कि लीव्स जो भी अरेंज है ना, लीव्स आर arranged in concentric rings, ठीक है। तो जब भी आप अनियन को काटोगे तो मतलब ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो आपको इस तरह से बेटा सर्कल देखने को मिलते हैं। खास करके आप इवन होटल्स वगैरह में जाते हो, घर में ऐसे नहीं काटते लोग, बट होटल्स में जाओगे तो आपको ऐसे सर्कुलर आपको डेफिनेटली बेटा ट्रांसफर सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे अनियन पे। आपको क्लियरली दिखाई देता है इट हैज दैट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज वन द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ द फ्लेशी लीव्स। बट इन केस ऑफ द गार्लिक, गार्लिक के केस में आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, वो क्या है, है ना, लीव्स आर सेपरेट एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इनमें जो लीव्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब एक एक जो होता है बेटा, जो गार्लिक का जो सिंगल सिंगल लीफ होता है वो फ्लेशी होता है, और हर एक लीफ के ऊपर उसका खुद का इंडिविजुअल ट्यूनिका जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब हर एक जो आप गार्लिक देखोगे उसमें आपको इंडिविजुअल ट्यूनिका देखने को मिलता है लाइक दिस, है ना। तो आप डेफिनेटली बेटा बहुत समय लगता है लोगों को, है ना, इसको बोलते हैं लहसुन छिल रहा है घर में बैठ के, ऐसा एक फ्रेज भी है हिंदी में, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है बस घर में बैठ के लहसुन छिल रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपको देखने को मिलेगी, ये डिफरेंस। बाकी सेम है कि दोनों में ट्यूनिका पाया जाता है ना, दोनों ही बेटा ट्यूनिकेटेड बल्ब कहलाए जाते हैं, उनमें डिस्क शेप स्टेन होता है और नीचे एडवांटेजियस रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। ना बात करते हैं नॉन ट्यूनिकेटेड की, तो जो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब आपको कहा एग्जाम्पल है जैसे कि लिली, लिली वगैरह में जो आपको बल्ब देखने को मिलेगा उसमें आपको डेफिनेटली डिस्क स्टेम मिलेगा, उसमें ऑब्वियसली बेटा एडवेंटिशियस रूट्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ में यहाँ पे देखो यहाँ पे बर्ड भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे गार्लिक जैसे ही फ्लेशी लीव्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फ्लेशी लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ये सारे फ्लेशी लीव जो यहाँ पे हम लोग बना रहे बच्चों, इनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होता, देयर इज अ नो कोटिंग। तो यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं नो ट्यूनिका, ऑब्वियसली नॉन ट्यूनिकेटेड का मतलब है ना इनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होता। सो दिस इज एन एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब लिली। तो हमें लिलियासी फैमिली हमारे एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, जिसमें हम लोग लिली ये जो प्लांट है इसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये है बेटा चार डिफरेंट टाइप हमने पढ़े अंडरग्राउंड स्टेम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम, सिंपल है ना। तो हम लोगों ने डेफिनेटली बेटा अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ा है,
चार प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ा, ये एक है जिसको हम लोग डेफिनेटली अभी देख चुके हैं। अब आता है, हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट द सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो हमने पहले पढ़ा बेटा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब इनके बारे में बताया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। पहला नंबर आता है रनर का, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज ऑफ द रनर। अब ये रनर क्या चीज है? इन दी द स्टेम्स रूट्स डेवलप एट द लोअर साइड, दीज स्टेम्स रूट्स डेवलप एट लोअर साइड एंड लीव्स एट द अपर साइड फ्रॉम द नोड्स, ठीक है। अब देखो ये जो है ये जमीन के ऊपर फैलते चले जाते हैं, ये क्रीपर्स है। आपको समझना है क्रीपर्स का क्या मतलब होता है, हमने पहले ही बात की, ठीक है। इनके वीक स्टेम है, ये नोड है, ये नोड है, इस नोड के अपर साइड में बेटा यहाँ पे लीव्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे लीव्स डेवलप होंगे और बिल्कुल नोड के नीचे साइड में रूट्स डेवलप होंगे, एडवांटेजियस रूट्स ही होते हैं। तो ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है गजब पे बिल्कुल पैरेलली बेटा अर्थ क्रस्ट में भाग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रनर, कॉल्ड एज अ रनर, ठीक है। और पता है ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे नोड है और लीव्स है, ठीक है, और रूट्स है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्राउन, ये दूसरा क्राउन हुआ। तो दे रन एंड अ क्राउन टू क्राउन, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये नोड है, ये भी नोड है, तो ये क्या हो गया रनर, क्या है एक्चुअली रनर, क्या है एक्चुअली इंटर नोड है ना। तो ये जमीन पे होते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ग्रासेस में एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है साइनाडॉन, जिसको हम डूब ग्रास कहते हैं, या आपको ऑक्सियलिस नाम का प्लांट है। इनके केस में आपको रनर देखने को मिलता है, बीच स्टेम है, जो क्रीपर है या क्रीपिंग कर रहा है, ठीक है, ट्रेल नहीं कर रहा, ट्रेलर, इट्स नॉट ए ट्रेलर, इट्स ए क्रीपर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रनर। ना सेकेंड मॉडिफिकेशन जो है वो है स्टोरेज। अब मजेदार बात देखो, रनर्स फूड के स्टोरेज के लिए बनाए क्या? नहीं, रनर इज नॉट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। जितने हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन देख रहे हैं ना, सब एरियल मॉडिफिकेशन आर नॉट फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, दे आर फॉर द प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बीच में फूड भी गए तो भी नया प्लांट बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आता है बेटा स्टोलन। स्टोलन की मजेदार बात देखो, स्टोलन को मैं एक अलग वर्ड देखता हूँ, वो होता है बेटा एरियल रनर। इसको मैं कहता हूँ एरियल रनर। होता क्या है देखो, ये है क्राउन बेटा, यहाँ पे एक क्राउन है। अब यहाँ से यहाँ जो एक ब्रांच निकल रही है, ब्रांच क्या होती है, जैसे हम लोग यहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ क्राउन है, यहाँ क्राउन है, यहाँ पे ब्रांचेस है, यहाँ पे इरेक्ट ब्रांच है, इससे एक लैटरल ब्रांच डेवलप हुई है। ये ब्रांच ऊपर उठती है हवा में थोड़ी देर के लिए, एयर में ग्रो होती है, एंड देन इट विल टर्न डाउन डाउनवर्ड, एंड व्हेन इट टच द सॉइल, जहां पे ये टच करेगा वहां पे एक नया क्राउन डेवलप करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ऐसा रनर है जो थोड़ा बेटा ब्रिज जैसा, मतलब ऊपर उठेगा, देन इट विल टच द ग्राउंड। सो इन इट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट of the main stem and grow for some distance like arch and finally touch the ground to give rise to new shoot। यहाँ पे जो भी रनर है वो थोड़ा सा हवा में उठता है, फिर बाद में फिर से जमीन की तरफ वापस आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जिसको हम फ्रेगारिया कह रहे हैं, ठीक है, जैस्मिन, पेपरमिंट, दीज आर द एग्जाम्पल जिनके केस में बच्चों आपको स्टोलोन देखने को मिलता है। स्टोलोन इट्स अ सिंपल, ठीक है, दो हो गए, एक है रनर, एक है एरियल रनर, बेटा स्टोलोन। तीसरा बेटा थर्ड टाइप, इसको बोलते हैं सकर। सकर को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एज वर्ड द अंडरग्राउंड रनर। इसे हम लोग कहेंगे अंडरग्राउंड रनर। नाउ व्हाट इज दिस अंडरग्राउंड रनर, क्या चीज है यार अंडरग्राउंड रनर? बहुत सिंपल है, है ना, ये जमीन के अंदर से दौड़ रहा है, देख लो, है ना,
यहाँ पे क्राउन आ रहा है, यहाँ पे क्राउन आ रहा है, क्राउन का लीफ का पोर्शन ऊपर निकल रहा है जमीन के अंदर है बेटा, उसके एडवांटेजियस रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं सकर। ये जमीन के अंदर ही अंदर रहता है, छुपता है, बस इसके जो ब्रांचेस होती है, जो स्टेम होता है, जो क्राउन निकलते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। अगर आप यहाँ बहुत क्रूशियली देख रहे हो पाइनएपल का एग्जाम्पल, यहाँ बेटा आपको एक तो क्राउन दिख रहा है जो बाहर निकला है जमीन से, यहाँ पे बेटा एक छोटा सा क्राउन है जो नया नया है, बट क्या आपको इनके बीच का जो कनेक्शन है वो दिख रहा है? नहीं, वो सॉइल के अंदर, इनके बीच का जो कनेक्शन है बेटा वो सॉइल के अंदर है जो दिख ही नहीं रहा। सो इसका जो रनर है, मतलब एक क्राउन से दूसरे क्राउन की तरफ जो रन करने वाला जो रनर है, जो इंटरनोड है, वो एक्चुअली अंडरग्राउंड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सकर, अंडरग्राउंड रनर। ठीक है, इन इट द मेन स्टेम ग्रोज इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप। मेन स्टेम हमेशा बेटा है ना सॉइल के अंदर ग्रो होता है, बट द ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द नोड्स एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल। एग्जाम्पल है मिंट, एग्जाम्पल है पाइनएपल का, एग्जाम्पल है क्राइसेंटेमम का। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि सकर में ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ता है, कौन सा बेटा? बनाना का। ठीक है, सो बनाना ये ऑल्सो मैं आपको बेटा एग्जैक्टली याद रखना है, मूसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सो इन केस ऑफ दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, ओके है ना, अंडरग्राउंड रनर इसको हम लोग कह रहे हैं। इट्स सिंपल, यस, कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, तो ये है बेटा कुछ एग्जांपल्स, मिंट है, पाइनएप्पल है, क्राइसेंथेमम है, लास्ट वाला बेटा जो है ये अलग ही है, ये अलग है, मतलब ये है बेटा एक्वाटिक रनर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वाटिक, ये पानी के ऊपर भाग रहा है, बट ये थोड़े छोटे होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं। देखो ये क्राउन है, ये क्राउन है, ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा, और उनके बीच में ऐसा बहुत थिक बेटा, थिक एकदम थिक, ठीक है, थिक कनेक्शन देखने को मिलता है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, बड़े थिक कनेक्शन होते हैं, जहां जहां पे क्राउन है वहां पे ऊपर लीव्स आ रहे हैं, नीचे बहुत सारे आपको रूट्स जैसी चीजें देखने को मिल रही है। You can see it. ठीक है, now generally these occur in aquatic plant which have a fragile stem, जिनका stem ज़्यादा मजबूत होता नहीं है, टूट भी जाता है बाद में। अब देख रहे हो इन बीच में कुछ कुछ में बेटा हो है ही नहीं, टूट भी जाता है। So यहाँ पे internodes of offsets are small and thicker as compared to the runner. ठीक है, and each node bears a rosette. Rosette मतलब ऐसे bunch of leaves आपको देखने को मिलेंगे, एंड tufts of root, बहुत सारे leaves और बहुत सारे roots बेटा आपको nodes के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो, इसलिए इनको हम लोग aquatic runner कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? aquatic runner कहते हैं। Example है जैसे पिस्टिया, इकोर्निया, ये सारे floating hydrophytes है, पानी के ऊपर तैरने वाले plant है। अब आप देख रहे हो इनके बेटा roots नीचे hang हो रहे हैं, ठीक है, ये उनके leaves है या crowns है, ठीक है, ये पिस्टिया में या इकोर्निया में भी आपको वैसा ही दिखाई देता है। तो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे ऑफसेट दिखाई दे रहा है, दिस इज एन ऑफसेट, ठीक है, यहाँ पे भी बेटा आपको ऑफसेट दिखाई दे रहा है जो कि छोटा सा होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता। सो यहाँ आपको ये नोटिस करना है कि आपने एक्चुअली सब एरियल पार्ट में चार प्रकार के रनर ही पड़े हैं, एक सिंपल रनर जो कि ग्राउंड के ऊपर भाग रहा है, क्रस्ट रनर, ठीक है, दूसरा है एरियल रनर, तीसरा अंडरग्राउंड रनर, और चौथा बेटा एक्वेटिक रनर। ये सर सारे क्रीपर्स है, क्रीपिंग नेचर दिखा रहे हैं। क्रीपिंग नेचर क्यों? बिकॉज हर बार नोड के ऊपर बेटा क्या आ रहा है, एडवेंटेजियस रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सर अभी देखो, इसको याद रखने का बढ़िया तरीका है, मतलब मैंने ऐसे याद रखा था, देखो ये क्राउन वाला पॉइंट है, ये वाला क्राउन वाला पॉइंट है, तो ये सीधी लाइन मेरे लिए क्या है बेटा, रनर है, ठीक है, ऐसे ऊपर उठ करके नीचे आ गया तो ये कौन है बेटा, स्टोलन, ये कौन है, स्टोलन है। अगर ये जमीन के अंदर से दौड़ रहा है तो इसको ये क्या है बेटा, सकर है, ठीक है, इस तरह से हमने याद रखे। और मैंने क्या किया, ये ऐसे देखो यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे वाटर से है ना बना लेता हूँ तो इसी को मैं समझ लेता हूँ कि ऑफसेट है, ऑफसेट है मतलब पानी के ऊपर तैरने वाला है। तो इस तरह से चार प्रकार के रनर मुझे देखने को मिलते हैं। नाउ देखो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लूंगा, जैसे क्राइसेंथेमम ये एग्जांपल लेता हूँ, या बनाना ये एग्जांपल लेता हूँ,
ठीक है, स्टोर लोन के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन बोलो कैशियर इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो देखो इनके केसेस में हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि बहुत बार बेटा जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो बहुत अंडरग्राउंड स्टेम अगर हॉरिजॉन्टली ग्रो करके कहीं पे फिर से एक ब्रांच निकाल दे, तो मैं वही राइजोम को सकर कहता हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब भी क्वेश्चन आपको आएगा बनाना के बारे में, तो जिस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर देना पड़ा था सकर बनाना के लिए, सकर ये एग्जांपल देना पड़ा, नॉट राइजोम, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस, यस पक्का बेटा है ना। क्वेश्चन जो आए उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, और जिस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब सीबीएसई ने जैसे आंसर दिए है उसको भी हमें थोड़ा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें तो कोई ना कोई सोर्स देखना पड़ेगा, रेफरेंस, वी सी द रेफरेंस, अच्छा ये रेफरेंस से ये पता चलता है। तो हमारा सबसे बढ़िया रेफरेंस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी में जो चीजें देखते हैं उससे भी कहीं पे अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो हमको एनसीईआरटी में नोट करके रखेंगे कि अरे हाँ एनसीईआरटी में जो लिखा है थोड़ा सा उससे अलग हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। तो ये हो गया बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था एरियल है ना, नहीं सब एरियल मॉडिफिकेशन सब द स्टेम, तो दो हो गए और एक मॉडिफिकेशन, वो कौन सा है बच्चों, एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो एरियल मॉडिफिकेशन डेफिनेटली देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है बच्चों स्टेम टेंड्रिल का, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड, अब यहाँ नोटिस करना क्या होता है, यहाँ वीक स्टेम का मॉडिफिकेशन आया है, ये वायर लाइक जो कॉइलिंग्स आपको देखने को मिलती है ना, वायर लाइक कॉइलिंग, इनको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। और ये उन प्लांट्स के लिए है जो क्लाइंबर्स है, खास करके क्लाइंबर्स है ना, जिनको कई सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ना है, लाइट लेना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो उनके केस में आपको टेंड्रिल या वायरी स्ट्रक्चर्स, आपने बहुत बार देखा भी होगा ऐसे वायरी स्ट्रक्चर, डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ द वायरी स्ट्रक्चर्स, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे वायरी स्ट्रक्चर्स आपको प्लांट से देखने को मिलते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स टेंड्रिल्स, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान देना, इन्होंने सिर्फ अभी तो हमने एक्सिलरी बर्ड लिखा है, बट नॉट ओनली एक्सिलरी बर्ड, बहुत सारे बाकी के भी बर्ड भी है जो टेंड्रिल बनाने में मदद करते हैं। अब वो ब्रांचेस से मिलते हैं और वो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं, तो दोस प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम, ऑब्वियसली बेटा। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया है ग्रेप्स या ग्रेप वाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी आपको टेंड्रिल देखने को मिलेगा। पैशन फ्लावर, ऐसी फ्लोरा जिसको कहते हैं, जिसका फ्लावर बहुत ही बढ़िया होता है ना, गॉड जो है, जैसे फॉर कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है, इन सब के केस में बेटा आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। इवन पी प्लांट में आपको डेफिनेटली बेटा है ना टेंड्रिल देखने को मिलता है, बट वो वाला टेंड्रिल पी प्लांट में जो देखने को मिलता है वो अलग है, वो स्टेम टेंड्रिल नहीं है ना, वेल दैट विल सी, दैट इज इन द लीफ टेंड्रिल, लीफ से भी बनते हैं टेंड्रिल। तो यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो स्टेम टेंड्रिल है, इसीलिए क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इस पेज पे आता हूँ बच्चों, नोटिस करते हैं, इस पेज पे हम लोग आते हैं और यहाँ मैं सिंपल पॉइंट लिखना चाहूंगा, टेंड्रिल जो है स्टेम टेंड्रिल, तो आप चाहो तो ये ट्रिक है टू रिमेम्बर है ना। मैं क्या करता हूं, एक ऐसा स्टेम बना लेता हूं, तो मुझे तो पता है कि जो एपिक्स है यहां पे अपाइकल बड़ होगा, ठीक है, अपाइकल बड़। अगर मैंने ये लीफ यहां पे बना लिया तो इसके एक्सिल में जो बड़ आता है वो एक्सिलरी बड़ होगा, ठीक है। इसके एक्सिल के पास में और एक अगर बड़ आ गया तो बेटा वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड़ होगा, बराबर, ये मुझे पता है, आई नो इट, करेक्ट है। या तो हो सकता है बेटा यहाँ से है ना, अगर फ्लावर बनना चाहता है तो इसको मैं फ्लोरल बर्ड कहता हूँ, चार प्रकार के तो बर्ड
एपाइकल बर्ड, यहाँ पे अभी फोलियर बर्ड के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। तो क्या होता है, किस किसी प्लांट में अपाइकल बर्ड से टेंड्रिल बन जाते हैं, जैसे विटिस में ऐसा होता है। विटिस मतलब कौन? ग्रेप्स। विटिस का क्या मतलब है? ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में जो ग्रेप वाइन होता है, वहां पे जो टेंड्रिल बनते हैं वो अपाइकल बर्ड से बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्सिलरी बर्ड है। एक्सिलरी बर्ड से है ना पैशन फ्लावर में, जिसको हम लोग पैसिव फ्लोरा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पी बना दिया पैसिव फ्लोरा। तो पैसिव फ्लोरा में जो टेंड्रिल बनता है वो एक्सिलरी बर्ड से बनता है। ठीक है, नाउ यहां देखते हैं ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है। इससे जो बर्ड बनता है वो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ व्हाट द इन केस ऑफ द कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मतलब ककड़ी। इसमें डेफिनेटली बेटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से मिल रहा है। ठीक है, और देखो फ्लोरल बर्ड कुकुरबिटा, उसका साइंटिफिक नेम है कुकुरबिट्स। ठीक है, सो कुकुरबिटा यहाँ पे ककड़ी के लिए बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लोरल बर्ड जैसे कि एंटीगोनॉन। एंटीगोनॉन इस प्लांट पे आप देखोगे तो आपको बेटा डेफिनेटली देखने को मिलेगा स्टेम टेंड्रिल। अब मैं इसको याद करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखूंगा। जस्ट आई विल राइट डाउन लाइक दिस। ये देखो स्टेम बना दिया, ये लीफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा पी, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है सी, और यहाँ पे फ्लावर बना करके बना दिया ए। ठीक है, नाउ मैं बार बार अगर ये करता हूँ तो भी मुझे याद रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। मैं बहुत जल्दी बेटा ये शायद मुझे याद आ जाए कि ए का मतलब एंटीगोनॉन है, पी का मतलब पैशन फ्लोरा है। अभी पैसिव फ्लोरा मतलब ये देखो एक्सिलरी बर्ड से है, कुकुरबिट सी एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से, विटिस अपाइकल बर्ड से है। समझ में आए क्या? तो ऐसे जब हम लोग इमेजेस बनाते हैं तो हमें बहुत इजीली याद रहता है। ठीक है, वैसे मैंने जैसे अभी यहाँ पे बनाया, ये देखो कॉर्न है, ये रनर है, ये स्टोलन है, ये सुपर है। ठीक है, और ये ऑफसेट है। ऑफसेट में क्या एग्जांपल है, स्टोलन में क्या एग्जांपल है, क्योंकि मुझे पता चला स्टोलन तो मुझे यहाँ पे बस एग्जांपल के शॉर्ट फॉर्म लिख लेने हैं। यहाँ पे एग्जांपल के शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं, यहाँ पे रनर है तो रनर के मैं साइनाडॉन ग्रास ऑक्सैलिस इस तरह से लिखना। सो इफ वी आई डू दिस, ये अरेंजमेंट हमें करने होते हैं खुद, तो बहुत जल्दी हमें चीजें याद रहती है, बहुत जल्दी, नहीं तो बेटा कंफ्यूजन पड़ता चला जाता। ठीक है, सो कैन यू रिमेम्बर द स्टेम टेंड्रिल्स? विटिस में अपाइकल बर्ड से आएगा, पैशन फ्लावर में एक्सिलरी बर्ड से आएगा, कुकुरबिटा में एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से, और एंटीगोनॉन में सर फ्लोरल बर्ड से टेंड्रिल बनता है। तो ये एक्चुअली डायग्राम है जो मैंने अभी बनाई है, ये वाली, जिसको आप बाद में रफ बनाते समय ऐसे कर सकते हो इन एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपको याद ही नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ही नहीं तो वैसे भी इमेज आपके दिमाग में बन गई वंस तो आप बहुत बेटा याद रख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल एट वंस है टेंड्रिल के, और हर एक का अलग अलग बर्ड है जो अलग अलग बना रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें इस तरह से टेक्निक यूज करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पहले तो एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम है। अब एग्जाम्पल याद भी आ गया पैशन फ्लावर टेंड्रिल का, यार कौन से बर्ड से आया ये तो पता होगा। तो दोनों चीजें एक साथ याद रखने के लिए इस तरह से मैंने ट्रिक बनाई है, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आर यू श्योर? यस यस सर। ओके यस सर। देखो टेंड्रिल के बारे में तो हो गया यार, ये तो वायर स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट देते हैं, है ना, ये है टेंड्रिल। देन इसके बाद में आपको देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फाइलोक्लेड। नाउ देखो फाइलोक्लेड का क्या मतलब है। पहली बात तो अगर आपको याद होगा तो मैंने ये वर्ड आपको पहले समझा के रखा है, वो क्या था? क्लेड। कितने लोगों को पता है? मैंने फाइलोजेनी और क्लेडिस्टिक्स ये डिफरेंस क्लियर किया था, इफ यू रिमेम्बर। यस, है ना। तो क्लेड का मतलब ही होता है बच्चों ब्रांच। क्लैड का मतलब क्या होता है? ब्रांच। तो यहां दिख रहा है फाइलो मतलब लीफ और क्लैड का मतलब होता है।
है ब्रांच और स्टेम। तो जब भी कैक्टस वगैरह प्लांट आप देखोगे तो इनके केसेस में सबसे पहली चीज आप देखोगे कि इनके लीव जो होते हैं ना पत्ते, ये लीव्स पूरी तरह से है ना रिड्यूस हो जाते हैं इनटू द स्पाइन, लीव्स बिकम स्पाइन। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लेशी फ्लैट, जैसे कि ओपुंशिया में नागफणी जिसको बोलते ये देखो ठीक है, या फ्लेशी सिलिंड्रिकल ये देखो कैक्टस है। इनमें जो स्टेम दिखाई दे रहे वो ग्रीन है, वो फ्लैट है, वो म्यूसिलेजिनस है ताकि वो पानी कंजर्व कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके, इसीलिए लीफ को रिड्यूस कर दिया है इनटू द स्पाइन, क्योंकि ये सारे जीरोफाइटिक प्लांट है, जीरोफाइटिक है ना। ठीक है, ये सारे प्लांट बेटा जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक का क्या मतलब, मतलब जो ऐसी जगह रहते हैं जो ड्राई कंडीशन से पानी की कमी है ना, डेजर्ट में रहते हैं, ग्रो होते हैं बराबर, तो ऐसे कंडीशन में ग्रो होने के लिए इनको तो वाटर बचाना पड़ेगा, दे शुड कंजर्व वाटर। सो टू कंजर्व वाटर व्हाट दे डू, दे रिड्यूस द लीव्स, क्योंकि लीव्स के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं और वो पानी का लॉस करा देगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा, सो रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट है ना, द साइज ऑफ द लीव्स आर रिड्यूस्ड, दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन। नाउ अगर स्पाइन बन गया तो खाना कौन बनाएगा, who will do that? So answer, the stem. The stem ही खुद green हो जाता है, वो fleshy, flat, या तो fleshy, cylindrical. Fleshy क्यों है? क्योंकि वो mucilaginous है, mucilaginous है. But एक चीज note करना बच्चों, जब भी इस diagram को देखोगे आप लोग, तो ये वाला जो portion है, ये है node, ये है node, और हर node के बेटा है ना एक branch आ रहा है. So every single branch is different. नोड्स और इंटर नोड्स आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, सो मेनी नोड्स एंड इंटर नोड्स यू कैन सी इन दिस टाइप ऑफ द कैक्टस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग नोड 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 एंड इंटर नोड्स। ठीक है, तो नोड और इंटर नोड आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, इसी का मतलब है ये स्टेम है, लीफ नहीं है। क्लियर है क्या? ये स्टेम क्यों है, मैं क्यों बोलू इसको स्टेम, सर ये तो ग्रीन है, खाना बना रहा है ना। So why it is a, because it has a node and internode, so that very good. ठीक है, so ये मुद्दा है जो आपको समझ में आता, leaves modified into spine. Example है opuntia, example है euphorbia, these are the examples, opuntia, euphorbia, इनके केस में आपको देखना, अभी यहाँ वर्ड याद रखना phylloclade. क्लैड मतलब ब्रांच, इसी को बेटा एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ क्लैडोफिल, सेम थिंग, क्लैडोफिल भी कहो तो क्लैड मतलब स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द लीफ। यस ठीक है, ये बहुत बार बेटा नीट में पूछा गया है फाइलोक्लेड के बारे में, सो मेनी टाइम्स। ठीक है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं फेवरेट है फाइलोक्लेड, उसका एग्जांपल है ओपुंशिया है ना, आजू बाजू में कहीं भी जाओगे तो कैक्टस का कई प्लांट आपको देखने को, तो ओपुंशिया डेफिनेटली बेटा ये वाला प्लांट आपको देखने को मिलता है, आराम से देखोगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फाइलोक्लेड। यस, एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, यस सर। इसके साथ है स्टेम थॉर्न, अभी थॉर्न क्या चीज है, हमें देखने को मिलता है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, अभी ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सिलरी बर्ड से ही बने, ये टर्मिनल बर्ड से भी डेवलप होता है। ठीक है, ऑफ द स्टेम, इट कैन डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड और द टर्मिनल बर्ड ऑफ द स्टेम, बट ये नोटिस करना है आपको कि ये जो होते हैं थॉर्न, ये बहुत बड़े होते हैं और अंदर से डेवलप होते हैं, जैसे कि है ना इनमें वैस्कुलर सप्लाई होता है जाइलम फ्लोएम का, और आप थॉर्न को देखोगे तो थॉर्न एक बहुत बड़ी चीज है और इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, और बहुत बार बेटा नोड और इंटर नोड के ऊपर लीव्स भी आते हैं, मतलब ऐसा कांटा है जो बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थॉर्न। ठीक है, सो इट मे बियर लीव्स और फ्लावर्स, इसमें लीव्स भी हो सकते हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो कैरीजा नाम का प्लांट है, करंडा बोलते हैं उसको,
या बुगेनविलिया है या पोमोग्रेनेट है, आपने कभी पोमोग्रेनेट का सिट्रस नींबू का पेड़ देखा है, लेमन का। तो इफ यू सी द लेमन ट्री, लेमन के ऊपर, ये लेमन का ही एक्चुअली डायग्राम, तो इनके ऊपर बेटा बहुत बड़े बड़े से कांटे होते हैं, इनको हम थॉर्न कहते हैं, और इनको काट के देखोगे, सेक्शन लेकर देखोगे तो इनके अंदर जाइलम फ्लोएम होगा, है ना, नोड और इंटरनोड होंगे, इनके ऊपर लीव्स ग्रो होंगे, ठीक है, फ्लावर्स डेवलप हो सकते हैं। सर रोज, क्या सर रोज, रोज में नहीं आएगा, ठीक है, रोज के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार हमेशा पूछते हैं। okay. यहाँ पे नोटिस करना है, देखो सिट्रस में है ना, डुरांटा में, बुगनविलिया में आप देख सकते हो कि थॉर्न से आपको डेफिनेटली बेटा थॉर्न जो होता है ऐसा काटा है जिसके ऊपर, और ये एंडोजिनस ओरिजिन का है, यहाँ पे लिखा है एंडोजिनस ओरिजिन, मतलब ठीक है वो अंदर से डेवलप होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम का भी बेटा एंट्रेंस होगा अंदर तक, है ना, इसके भी अंदर जाइलम फ्लोएम जो है उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। सो इसको हम लोग कहते हैं थॉर्न। नाउ सी, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, सर व्हाट अबाउट द रोज, रोज के बारे में बताओ, ठीक है। सो दीज डेवलप ओनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स, इसमें जो प्रिकल्स होते हैं छोटे काटे जिनको हम लोग, देखो इसको मैं स्पाइन नहीं कह रहा, स्पाइन ये वर्ड मैंने कहा यूज किया, स्पाइन ये वर्ड मैंने कहा यूज किया, फाइलोक्लेड में रिड्यूस्ड लीफ है ना वो स्पाइन था, लोग प्रिकल्स बोल रहे हैं, बहुत छोटे काटे या इनको हुक्स कहते हैं। तो अगर आप रोज का ये काटा देख रहे हो तो आप इसमें कर्वेचर देखते हो, कभी कभी देखो ये देखो कर्वेचर दिख रहा है, ये देखो कर्वेचर दिख रहा है, तो ये बहुत छोटे होते हैं। सो दिस डेवलप ओनली फ्रॉम कॉर्टेक्स, तो सुपरफिशियली बेटा ये ग्रो होते हैं, फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड फाउंड नो एंड एट द नोड्स एंड इंटर नोड्स, नोड्स के ऊपर भी होते हैं, इंटर नोड्स के ऊपर भी होते हैं, इनके ऊपर नोड्स और इंटर नोड नहीं होते, ये नोड्स ये इंटर नोड पे आएंगे, ये क्लाइंबिंग करने में मदद करेंगे, प्रोटेक्शन में मदद करेंगे, बट दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन, मतलब बहुत सुपरफिशियल, यहां से कट करोगे तो हो गया खत्म, ये काटा निकल आया, ठीक है। देखो रोज में तो प्रिकल्स होते हैं, यहाँ देखो स्माइलैक्स, अगर स्माइलैक्स देख रहे हो बच्चों, तो स्माइलैक्स में छोटे छोटे आपको यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको बेटा प्रिकल्स देखने को मिलते हैं, इवन आप देख पा रहे होंगे स्माइलैक्स में बेटा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें टेंड्रिल भी है, इसमें लीफ टेंड्रिल होता है, तो विल टॉक अबाउट द लीफ टेंड्रिल डिफरेंटली, स्टेम टेंड्रिल नहीं है ना, स्टेम टेंड्रिल हो चुके हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेटा प्रिकल्स, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, प्रिकल्स एंड हुक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा क्लैडोड, अभी क्लैडोड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लैडोड क्या चीज है, क्लैडोड होता है वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड, ठीक है, इट्स वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड, मतलब ये मेन ब्रांच होगी उसकी लीफ प्लांट के, उसके ऊपर बेटा इसके नोड के ऊपर यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच आएगा, मतलब एकदम ग्रीन, ठीक है, इसमें डेफिनेटली बेटा है ना, बट ये वाला है और यहाँ पे बेटा नोड इसका खत्म हो जाता है, यहाँ पे कभी कभी बहुत छोटे छोटे लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, कंपाउंड लीव्स। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये क्लैडोड क्या होता है, क्लैडोड भी फ्लैट स्ट्रक्चर है, बट क्लैडोड इज ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग, तो इसीलिए बोलते हैं क्लैड, है ना, ऐसा क्लैड जो सिर्फ एक सिंगल इंटरनोड, इंटरनोड इतना लॉन्ग है, मैंने क्लैड का यहाँ पे ई कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे बेटा इंटरनोड ये काट दिया तो ओडी ई लगा दिया, तो ये बन गया क्लैडोड, सिंगल इंटरनोड लॉन्ग, एग्जांपल है, एस्पेरेक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड, वेरी सिंपल, फाइलोक्लेड में बहुत सारे नोड इंटर नोड होते हैं और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इंटर नोड लेंथ है,
बाकी इसका नॉर्मल स्टेम भी प्रेजेंट है और इसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स भी आते हैं जो बाद में गिर जाते हैं, नहीं रह पाते, ठीक है। तो एस्पैरागस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द क्लैडोट, वेरी क्लियर, क्लियर है? यस सर, यस, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट वी कैन से द फाइलोक्लेड एज वेल एज द क्लैडोट, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नोटिस करना है हम लोगों ने, अदर देन दिस हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बल्बिल, बल्बिल, बल्बिल क्या है? बल्बिल इज एक्चुअली फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। देखो ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट में देखो ये लीफ का एक्सिल है, ये लीफ का एक्सिल है, तो लीफ के एक्सिल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा ट्यूबर जैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ट्यूबर जैसा या बल्ब जैसा। इस छोटे से ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बल्बिल, छोटे बल्ब। अब ये बल्बिल जमीन पे जब गिरेंगे टूट के यहाँ पे, तो इस बल्बिल से बेटा नया प्लांट आपको डेवलप होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यू विल सी द न्यू प्लांट डेवलपमेंट। वो जो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका अगेव, ये हमें याद रखना है, अगेव, ठीक है। सो अगेव प्लांट ये एग्जाम्पल है जिसको बार बार पूछा गया है रिगार्डिंग द बल्बिल। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों स्टेम के मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, इसमें टेंड्रिल है, पाइलोक्लेड है, ठीक है, क्लैडोड है, बल्बिल है, ये तो चार हो गए, बराबर, यस और नो? यस, ठीक है, यस सर। तो ये बेटा जितनी भी चीजें हैं हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेम के बारे में, स्टेम के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, तीनों प्रकार के मॉडिफिकेशन को पढ़ा है, मतलब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है ना, देन एरियल मॉडिफिकेशन एज वेल एज द सब एरियल मॉडिफिकेशन दैट वी हैव स्टडीड। नाउ आपको करना क्या है, आपको बहुत सिंपल तरीका यूज करना है, रूट का एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में शायद बना के भी दिखाया था रूट का ट्री डायग्राम मॉडिफिकेशंस का, ठीक है। वैसा ही बेटा स्टेम का भी बनाओ, स्टेम का तो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया भी थोड़ी देर पहले, तो स्टेम का भी ऐसा बेटा आप लोग क्या बनाओ, एक ट्री डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो बाय दिस वे जब हम एक दो ट्री डायग्राम बना लेते हो तो आपको ये बार बार पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वंस यू मेक इट, ठीक है। इसी चीज को आप रिवाइज करो, दो ही पन्ने आएंगे, दो पेज आएंगे, दो पेज के ऊपर बेटा रूट स्टेम आ जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं बना पाते हो मुझसे पूछो, मैं बनाते हूँ, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा बनोगे एकदम स्केल लेकर के, मेजर लेकर के, एल ऐसा बड़ा बनता, ठीक है। बट जब आप बनाओगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, मैं बना के दूंगा तो आप उसको शायद कचरे के डब्बे में डाल दोगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि देखो पेजेस है वो हो जाते हैं, बट जो आपकी मेहनत की है, आपने जब खुद पढ़ा, खुद उसको अरेंज किया, खुद लिखा चाहिए इसका, सो वो जो आपने काम किया ना, तो वो सब कॉन्शियस में रहता है, और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कभी तो आपको सडनली याद आ जाता है, अच्छा मैंने तो पढ़ा है, आई रिमेम्बर दिस, ठीक है, ये मैंने खुद ही बनाया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी स्टेम से आगे बढ़ रहे हैं, स्टेम से आगे बढ़ रहे हैं मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टिप्यूल्स के बारे में। व्हाट इज अ स्टिप्यूल, स्टिप्यूल क्या चीज होती है? देखो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली लीव्स को पढ़ने। अब बहुत सारे लीफ ऐसे होते हैं, लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो लीफ के स्ट्रक्चर में आपको क्या चीज देखने को मिलती है? तो आपको सिंपली बेटा लीफ के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है ना, इस तरह से होता है एक ब्लेड है ना, फिर उसके बाद होता है मार्जिन और पेटियोल। तो व्हेनेवर यू सी द लीफ स्ट्रक्चर, तो आपको बेटा इस तरह से देखो, ये ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर उसका पेटियोल होगा और इस पेटियोल से आएगा लीफ, ठीक है। अब बहुत सारे लीफ ऐसे होते हैं जिनका जो बेस होता है ना, बेस पेटियोल का बेस, यहाँ पे ये जो बेस है, इस बेस पे यहाँ पे आपको छोटा सा लीफ लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं दोनों साइड, ठीक है। इन छोटे से
है ना, प्रोजेक्शंस को मैं बोलता हूँ स्टिप्यूल, क्या कहता है इनको मैं स्टिप्यूल। अब जिन लीफ में ये स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग स्टिप्यूलेटेड लीफ कहते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव लैटरल अपेंडेजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द लीव बेस नोन एज स्टिप्यूल्स, एंड लीफ विद द स्टिप्यूल जिनको स्टिप्यूल होते हैं इज नोन एज स्टिप्यूलेट लीफ। जैसे कि एग्जांपल है फैबेसी फैमिली, अब ये फैमिली फैबेसी फ्लावरिंग प्लांट की है ना हमारे एनसीईआरटी में है, तो फैबेसी फैमिली में स्टिप्यूलेटेड लीफ होते हैं। तो हम लोग जब भी ये फैबेसी फैमिली देखेंगे इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तब बेटा हम लोग स्टिप्यूलेट लीफ के बारे में और एक बार मेंशन करेंगे। नाउ सपोज अगर लीफ के ऊपर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता, लीफ विदाउट स्टिप्यूल, इसको बोलते हैं कॉल्ड एज एक्स स्टिप्यूलेट। अभी एक स्टिप्यूलेट में दो और फैमिलीज हमारे बुक में दी गई, एक है सोलानेसी और एक है लिलियासी, ये दोनों ही फैमिलीज दी है, मतलब एक्चुअली हमें तीन फैमिलीज प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दी गई है, फैबेसी सोलानेसी लिलियासी। तो ये जो तीनों फैमिलीज है इनमें से फैबेसी स्टिप्यूलेट लीफ वाली होती है और सोलानेसी और लिलियासी एक्स स्टिप्यूल। अब इस प्लांट को देखो, इसके पेटियोल में कोई स्टिप्यूल नहीं है, तो जब स्टिप्यूल अब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स स्टिप्यूलेट, करेक्ट करेक्ट, क्लियर है बेटा? यस, देखो स्टिप्यूल में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टिप्यूल प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ज्यादा कुछ इसको याद रखने की जरूरत नहीं। प्रीलेटरल का क्या मतलब है, देखो ये पूरा ये पेटियोल है, इसके बाजू में इधर एक है बस, इसको बोलते हैं प्रीलेटरल। दे आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ बेस। तो लीफ बेस जो होता है उनके दोनों साइड में बेटा आपको ये पेटियोल देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपका प्रीलेटरल। सेकेंड है बच्चों इंटरपेटियोलर। अब ये क्या होता है, अब ये देखो यार मेन स्टेम है, दिख रहा है, अब यहाँ पे एक पेटियोल आया, यहाँ पे एक पेटियोल आया, मतलब दोनों अपोजिट लीफ। अब ये दोनों अपोजिट लीफ वहां पे हैं, तो है ना इसका जो एक पेटियोल और दूसरा एक पेटियोल है, ये दोनों व्हेन टू लीव्स आर मीट अपोजिटली एट द नोड देन द टू नियरेस्ट स्टिप्यूल्स ऑफ एडजेसेंट लीफ जॉइंट विद ईच अदर। तो क्या हुआ, इस लीफ का स्टिप्यूल और इस लीफ का स्टिप्यूल एक दूसरे को ज्वाइन हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग इंटरपेटियोलर, क्योंकि दो पेटियोल के बीच में बेटा स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इट्स एन इंटरपेटियोलर कंडीशन। तो क्या होगा, इसमें दो ही पेटियोल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये एक स्टिप्यूल होगा उस साइड के दो स्टिप्यूल हो जाएंगे, तो इसमें सिर्फ दो ही स्टिप्यूल होंगे, दो पेटियोल होने के बाद चार स्टिप्यूल होने चाहिए थे, क्योंकि देखो ये की पेटियोल पे इधर एक स्टिप्यूल होता है, इधर एक होता है, अब यहाँ पे क्या हो गया है ना, ये दूसरा वाले का बेटा देखो ये फ्यूज हो गया, ये बन गया एक ही स्टिप्यूल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा आपको इंटरपेटियोलर कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस चीज को अच्छे से समझना है तो इंट्रापेटियोलर कंडीशन, इंट्रा का क्या मतलब है, बहुत आसान है, देखो होता क्या है, ये देखो ये लीफ है, इसमें बेटा दो पेटियोल होने चाहिए, तो वन और दो स्टिप्यूल होने चाहिए, बट ये खुद के ही स्टिप्यूल फ्यूज करा देता है, ठीक है। सो जब भी आपको देखने को मिलेगा ये तो है ना ऐसा होता है कि खुद के ही स्टिप्यूल वो फ्यूज करा देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको सिर्फ एक ही स्टिप्यूल आपको देखने को मिलेगा। इन दिस टाइप बोथ द स्टिप्यूल्स ऑफ अ सिंगल लीफ जॉइन और फ्यूज, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा पेटियोलर स्टिप्यूल, ठीक है, यस, है ना। जब इंटर बोलोगे तो ही दो पेटियल के बारे में सोचना है, जब इंट्रा बोलोगे तो एक ही पेटियल के दो स्टिप्यूल फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोलियशियस, फोलियशियस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स आर लीफ लाइक, मतलब स्टिप्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि लगता है कि वही लीव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो ये देखो यहाँ पे आपको स्टिप्यूल दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, पी प्लांट में आपको ये इस प्रकार का फोलियशियस स्टिप्यूल देखने को मिलता है। फिर आता है बेटा स्केली,
स्टिप्यूल्स आर वेरी ड्राई स्मॉल एंड पेपर लाइक, तो ये एकदम पतले होते हैं पेपर जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम लोग कहते हैं स्केली स्टिप्यूल। एंड देन स्पाइनी स्टिप्यूल। अब देखो, अगर आपने जीजीपस जुजुबा के बारे में सुना होगा, बेर का पेट, बेर खाते हो बोर, ठीक है, स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। अरे देखो, स्टिप्यूल से स्पाइन्स बन गए, छोटे छोटे कांटे बन गए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा, कभी आप अगर बेर तोड़ने जाओगे पेड़ के, बेर का पेड़ देखोगे तो बड़ा ही तकलीफ होती है बेर तोड़ने में, क्योंकि आपको बहुत सारे बेटा वहां पे कांटे देखने को मिलेंगे, स्पाइन ही होते हैं उसके लीफ के बेस, ठीक है। तो ये सारे स्टिप्यूल एक्चुअली मॉडिफाई हो गए इनटू द स्पाइन, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्पाइनी स्टिप्यूल। ऑक्रिएट, व्हेन बोथ द स्टिप्यूल्स ऑफ लीफ कंबाइन टुगेदर, वो इस तरह से कंबाइन होती है कि एक ऐसे एक क्या बोलते हैं ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि बेस को जो स्टेम होता है उसको सराउंड कर लेता है। तो क्या करेगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा यार जो स्टिप्यूल ऐसे गोल 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 करके, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्रिएट। एडनेट, अगर आपने रोज प्लांट को बड़ा है ना आराम से देखा होगा, उसका अगर आप स्टेम कट करके देखोगे तो आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, दो स्टिप्यूल दिखते जरूर है बट दोनों स्टिप्यूल उसके जो पेटियोल का जो बेस होता है वहां पे चिपक जाते हैं नीचे साइड। देखो ये है पेटियोल और ये दोनों स्टिप्यूल बेटा उसको चिपक है पेटियोल, तो ऐसे कंडीशन को मैं एडनेट पेट्यूल कहता हूँ, स्टिप्यूल कहता हूँ सॉरी, ठीक है, एडनेट स्टिप्यूल कहता हूँ। लास्ट वन, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। अभी मैंने दिखाया था आपको कौन सा प्लांट था, वो स्माइलैक्स, उसमें स्पाइन्स ना प्रिकल्स दिखाए, तो स्माइलैक्स जो होता है इसमें आप देखो, ये देखो लीफ का बेस है और उसके स्टिप्यूल्स बेटा टेंड्रिल में मॉडिफाई हो चुके हैं, इधर भी देख सकते हो। तो स्टिप्यूल जब टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाते हैं तो उसको मैं टेंड्रिल स्टिप्यूल बोलता हूँ, एग्जाम्पल है बच्चों स्माइलैक्स, ठीक है। यहाँ पे रहा बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा रिगार्डिंग स्टिप्यूल्स, तो हम लोगों ने स्टिप्यूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम लोग रोक देंगे क्योंकि ज्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें देखो दो तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। सेकेंड, दूसरा तरीका है आपको करना क्या है, ये जब आपको वीडियोस अपलोड होंगे ना उसको देखो और उससे आप ट्री डायग्राम बनाओ, मतलब लिखते चले जाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा लिखने के लिए, ठीक है, और वो सारे पॉइंट को एज ए ट्री डायग्राम अरेंज करो, ठीक है, तो उससे आपके पास बढ़िया नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज आपको करना क्या है, आपको करना है कि एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए हैं उतने पहले पढ़ो, वो सब आपको याद रखना चाहिए, वो आपको पहले पता होगा, उसमें बहुत कम चीजें दी, यहाँ मैं बहुत चीजें बता रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल बहुत डेटा है यहाँ पे, है ना, है ही नहीं इतना, है नहीं एनसीईआरटी, ठीक है। आज के मैंने डाउट सेशन में दिखाया भी था एनसीईआरटी में इतना सब नहीं है, तो आपको करना क्या है, देखो हम लोग एक गोल्डन पाथ लेके चलते हैं, गोल्डन मिडिल पाथ लेते हैं, वो क्या है कि हम पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरह से ट्रेंड है लास्ट 3-4 ईयर्स से, तो बेटा बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बाहर के ज्यादा कोई मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है। जब भी एनसीईआरटी के बाहर कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बच्चों फ्रूट्स में और फ्लावर्स में, ठीक है, फ्रूट और फ्लावर, इनमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको पूछने को देखने को मिलती है, तो वो जब पढ़ेंगे वो डेफिनेटली उस समय हम वैसे ही बात करेंगे। रूट स्टेम लीफ, इसके बारे में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सारे मैक्सिमम एनसीईआरटी से आते हैं, तो वो पहले आपको पढ़ना है। आई होप यू आर वेरी क्लियर माइंड व्हाट टू रीड हाउ टू रीड, यस यस सर, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वही कॉन्फिडेंस देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, आप लीव के बारे में और आगे की जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी से पहले ही पढ़ लो, ताकि हमारे नेक्स्ट क्लास में है ना आप एग्जैक्टली अटेंटिव रह सकते, क्लियर है। So thank you, have a nice night, good night. Thank you, sir. Thank you, sir.